नमस्कार दोस्तों, जय भारत माता की। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। इजराइल की जो तोपें हैं दोस्तों गाजा पट्टी तक तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। पूरी खबर और पूरा वीडियो देखने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लगातार जो है यहाँ पर दोस्तों आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उससे जुड़ी ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने की 200 तोहफे तैनात, गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास तक पहुँच गई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसके बीच में बड़ा जो है दोस्तों मोड़ आ चुका है। इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में दो दिन पहले ऐलान किया था कि अब थलसेना उतर रही है जंग के लिए, दुश्मन का हो जाएगा खात्मा। और वही देखने को मिल रहा है, 200 से ज्यादा तोपें जो है दोस्तों यहां पर गाजा पट्टी में तैनात कर दी गई है। हमास डरकर भाग चुका है। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है यहां पर फिलिस्तीन का, उसकी हालत यहां पर पतली कर दी है, क्योंकि दोस्तों इतने दिन हवाई हमले, जो लड़ाकू विमान जो है दोस्तों घुस घुस कर सुरंगे फोड़ रहे थे, आतंकवादियों को धो रहे थे दोस्तों, उससे फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन हमास की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन अब जो है दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी, और उसी चेतावनी को दोस्तों पालना करते हुए इजराइल की 200 से ज्यादा तोपें जो है गाजा पट्टी में उतर चुकी है तबाही मचाने के लिए। जी हां दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ जो दोस्तों बड़ी बड़ी मिसाइलें तैनात कर दी गई है। अब जो है यहां पर हमास के बच्चे कुछ आतंकी, जो थोड़े बहुत आतंकी और बच रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आतंकी तो वहीं ढेर कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि ये जंग चलते हुए आज 11 दिन हो चुके हैं। इसी बीच आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अभी बीच में इजराइल को हथियारों की कमी आ गई थी, लेकिन अमेरिका 5,500 करोड़ रुपए के हथियार भेज चुका है। ऐसे में इजराइल के हाथ और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, यानी कि एक तरफा जो है दोस्तों जीत मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों 57 अरब देश यहाँ पर उछल रहे थे, कि तुर्की और पाकिस्तान उछल रहा था कि जो है एक साथ मिलकर इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन अमेरिका ने, रूस ने और हिंदुस्तान ने यहाँ पर सभी देशों को जो है दोस्तों असलियत बता दी, और बता दिया कि यहाँ पर इजराइल जो है सच की लड़ाई लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों, आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। क्योंकि दोस्तों हमास के जो आतंकवादी हैं यहाँ पर फिलिस्तीन उनको पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, और यहाँ पर दोस्तों हमास के आतंकियों के साथ साथ फिलिस्तीन की भी 12 बच चुके हैं। बची कुची दोस्तों जो अब उनके जो और भी आतंकवादी बच्चे होंगे उनको भी ढेर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की सांसद के अंदर जो है दोस्तों वहाँ के सांसद ने एक बहुत बड़ा जो है दोस्तों बचकाना बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात कभी भी किसी भी जंग की चल रही हो, भिखारी पाकिस्तान वाले एक ही बात करते हैं बार बार, परमाणु बम की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सांसद की गीदड़ भभकी, फलस्तीन और कश्मीर के लिए गिरा दो परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा था उसमें आपने देखा होगा, पाकिस्तान की संसद के अंदर, भरी हुई संसद के अंदर एक भिखारी सांसद ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा है कि, और गिदड़ भभकी दे रहा है कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम गिरा दे फिलिस्तीन और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये उसके शब्द हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें भिखारी पाकिस्तान का एक भिखारी सांसद जो है दोस्तों बार बार गिदड़ भभकी दे रहा था कि फिलिस्तीन को दोस्तों आज़ाद करने के लिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए परमाणु बम गिरा दो, और कश्मीर के लिए परमाणु बम गिरा दो। लेकिन ये दोस्तों भिखारी जो है पाकिस्तान के, ये बार बार ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि परमाणु बम हिंदुस्तान के पास भी है, परमाणु बम इजराइल के पास भी है, परमाणु बम अमेरिका के पास भी है। उन लोगों ने जो है दोस्तों दीपावली के लिए जलाने के लिए नहीं रखे हुए और हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। और पाकिस्तान है कितना सा छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर दोस्तों, इजराइल जो है जिस तरीके से हमास को उसके असली औकात दिखा रहा है, अगला नंबर पाकिस्तान और तुर्की का ही है, क्योंकि ये दो देश जो है बड़ी उछल कूद कर रहे हैं काफी समय से। और दोस्तों यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति को तो दोस्तों अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दे दिया था, यूं समझ लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोरदार तमाचा मारा है तुर्की के राष्ट्रपति के गाल पर, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति जो है लगातार रूस को फ़ोन करके उकसा रहा था कि जल्द से जल्द इजराइल के लिए जो है इजराइल पर अटैक किया जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों लात मार दी गई है दोस्तों रूस के द्वारा तुर्की को, और अब जो है रही कई कसर जो है दोस्तों तमाचा मारा है अमेरिकी के राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति को, क्योंकि साफ शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि 5,500 करोड़ रुपये के हथियार जो है इजराइल को भेजे जाएंगे, ताकि इजराइल के हाथ और भी ज़्यादा मजबूत हो और जो है हमास जो कि आतंकी संगठन है उसका खात्मा किया जा सके। तो दोस्तों अब जो है सभी देश, बहुत सारे देश यहाँ पर बड़ी बड़ी ताकतें जो है दोस्तों आ चुकी है इजराइल के साथ, हिंदुस्तान भी एक तरीके से इजराइल के साथ ही है, क्योंकि
इसराइल जो है पुराना दोस्त रहा है शुरू से ही हिंदुस्तान का। रूस जो है इसराइल के साथ है दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं। जर्मनी, फ्रांस, सभी बड़े देश, अमेरिका, सभी देश जो है यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर इसराइल के साथ है। ऐसे में दोस्तों 57 अरब मुस्लिम देश जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि जाकर अटैक कर देंगे, इसराइल को ख़त्म कर देंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है और अफवाह में ही वो रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है 57 अरब देशों की कि जाकर वहाँ पर जो है तुर्की वहाँ पर इसराइल को जो है झटका दे सके। क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान तो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन दोनों की तो पहले से हालत खराब है, अगर ये चाहें तो अभी उन इसराइल के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्यों अगर होंगे तो फिर इनकी भी हालत जो है यहाँ पर फलस्तीन और हमास जैसे हो जाएगी। और आज अगर ये जंग चल रही है दोस्तों, जो ये जंग चल रही है काफ़ी समय से 10-11 दिन हो चुके हैं, अगर इस जंग की जो जिम्मेदारी है, अगर इस जंग के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह है फलस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास, क्योंकि उसी की वजह से ये जंग शुरू हुई है। वरना इतने दिन पिछले 5-6 सालों से दोस्तों शांति थी, हालांकि हर 2-3 साल में दोनों देशों के बीच में, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में कुछ ना कुछ कहासुनी हो जाती है, दोनों तरफ से कई बार मिसाइलें और जवाबी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस बार दोस्तों ये जंग जो है पिछले 7 साल के अंदर दोस्तों ऐतिहासिक जंग लड़ रहा है इसराइल। वैसे इसराइल लड़ तो दोस्तों पिछले 70 सालों से रहा है और बार बार यहाँ पर फिलिस्तीन और हमास जो कि उसका आतंकी संगठन है उसको औकात दिखा रहा है पिछले 70 सालों से। लेकिन ये दोस्तों 2014 के बीच में भी इन लोगों के बीच में दोस्तों ज़बरदस्त जंग छिड़ी थी, उस वक्त भी इसराइल ने दोस्तों जो है लाखों की तादाद में हमास के आतंकियों और फिलिस्तीन को मौके पर ही ढेर किया था और कई घायल भी हो गए थे और कई देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन पिछले 7 साल बाद 2014 के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी जंग मानी जा रही है इसराइल की, क्योंकि अब तो दोस्तों लड़ाकू विमान उतर चुके हैं, जो दोस्तों आपको बता देना चाहते दिन रात फाइटर जेट जो है गाजा पट्टी से होते हुए पूरे हमास को खत्म कर दिया, हमास के आतंकियों को जो है सबक सिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 200 से ज्यादा गाजा पट्टी के अंदर तोपें तैनात कर दी गई है। ये इस वक्त बड़ी अपडेट मानी जा रही है, बड़ी जो है बात मानी जा रही है, क्योंकि इसराइल ने पूरी ताकत झोंक दी दोस्तों आतंकवाद का सफाया करने के लिए, और पूरी दुनिया चाहती है दोस्तों कि पूरी दुनिया में शांति हो जाए, जंग भी कहीं ना हो लेकिन आतंकवाद का सफाया हो जाए, क्योंकि दोस्तों हर जगह ये आतंकवाद जो है दोस्तों सब जगह समस्या पैदा कर रहा है, निर्दोष लोग आतंकवादियों की वजह से मारे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आतंकवाद का सफाया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी कड़ी में दोस्तों इसराइल जो है लग चुका है अपना काम पूरा करने के लिए। और दोस्तों वहीं आपको ये भी बता देना चाहते हैं, दुनिया के कई देश जो है कोशिश करने लगे हैं दोनों देशों के बीच में छिड़ी हुई जंग को रोकने की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, समझौता करवाना चाह रहे हैं, शांति समझौता हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो इसराइल अटैक कर रहा है आतंकवादियों को मारने के लिए, तो उस हमले में कई बार आतंकवादियों के साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों दुनिया के कई देश कोशिश कर रहे हैं, सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर दोस्तों आतंकवादी संगठन हमास का खात्मा हो जाए और फिर बाद में ये जंग रुक जाए, क्योंकि इसमें इस जंग में दोस्तों कई बार दोनों तरफ से जब हमास रॉकेट दागता है, इसराइल रॉकेट दागता है, तो आतंकवादियों को जो इसराइल रॉकेट दागता है दोस्तों, तो आतंकवादियों को खत्म करने के लिए दागता है, लेकिन कई बार आतंकवादी खत्म ना होकर उनके साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। अब मान लीजिए कई बार जो है इसराइल ने कई मिसाइल दागी या रॉकेट हमला किया और वहां पर जो है दोस्तों 50 या 100 आतंकवादी ढेर हो गए, लेकिन कई बार जो है दोस्तों ऐसे हमलों की वजह से उनके आतंकवादियों के साथ साथ कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों इंसानियत के नाते ये जंग रुक जाए जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी यहां पर आतंकवादी संगठन हमास का खात्मा हो जाए और इंसानियत के नाते ये जंग रुक जाए, यही जो है दोस्तों सभी देश भी यही चाह रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि दुनिया के बाकी देश जो है किस किस के साथ हैं, तो यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान ने जो है दोस्तों सबसे पहले अपने यही कहा था कि दोनों देशों के बीच में शांति हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आतंकवादियों के साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक बात समझ लेनी चाहिए सभी को कि इसराइल जो है दोस्तों हमेशा से हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त रहा है, दोनों देशों ने एक दूसरे की काफ़ी मदद की है और शुरू से ही इनके बीच में जो है दोस्तों अच्छी मित्रता जारी है। वहीं अमेरिका ने तो जो बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और उन्होंने कहा था कि 5,500 करोड़ के हथियार इसराइल को दिए जाएंगे, तो वहीं दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं जरूरत पड़ने पर यहाँ पर सैन्य सहायता भी भेजेगा अमेरिका ताकि आतंकवाद का सफाया हो सके। तो दूसरी तरफ रूस इसराइल के साथ है, फ्रांस, सभी देश जो है दोस्तों बड़े बड़े जो है यहाँ पर आतंकवाद का सफाया करने के लिए इसराइल के साथ है दोस्तों। वहीं आपको ये बता देना चाहते हैं, एक और अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम लगातार वीडियोस अपलोड करते रहते हैं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उससे रिलेटेड। तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आप जो है दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।